नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 19,638 की और इस वीक में हमने लगभग 35 पॉइंट नीचे जाके निफ्टी में क्लोज किया है। थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर रहे हैं, 200-250 पॉइंट की रेंज बनी उस, लेकिन हमने क्लोजिंग किया है 35 पॉइंट नीचे, जबकि लास्ट वीक हमने लगभग 518 पॉइंट नीचे जाके निफ्टी में क्लोज किया था। तो एक बड़ी गिरावट आने के बाद में थोड़ी सी यहाँ पर कंसॉलिडेशन होती है, थोड़ा सा वेट करते हैं, बायर और सेलर दोनों वेट करते हैं, दोनों अपनी रेंज को ढूंढते हैं, फिर मार्केट जब उस रेंज को ब्रेक करता है तब यहाँ पे नए बायर या नए सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन था, क्योंकि इसी लेवल पे हमने यहाँ पे क्या किया था, तीन वीक लगभग हमने कंसोलिडेट किया था और कंसोलिडेशन के बाद में हमने यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद में हम यहाँ पे पहुँचे थे 20,200 के आसपास। तो वापस इसी लेवल के पास हम आके यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अभी मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। नीचे की साइड में जो इंपॉर्टेंट है वो ये रेंज है, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीचे की साइड के लिए। यहाँ पे 19,488 ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे आपको नए सेलर एक्टिव होते हुए निफ्टी में दिखेंगे और वो सेलर निफ्टी को लाने की कोशिश करेंगे इस लेवल के आसपास जहाँ पे हमने लास्ट टाइम कंसोलिडेट किया था, यानी ये जोन में आने की निफ्टी कोशिश करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है तो निफ्टी में नए सेलर एक्टिव होंगे और वो सेलर इस जोन में लाने की कोशिश करेंगे निफ्टी में। ऊपर की साइड में बायर तभी एक्टिव होंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, कभी भी मार्केट ना पिछले स्विंग हाई और स्विंग लो को वीकली चार्ट पे बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो वहाँ पे आप हमेशा नज़र बना के रखिएगा। यहाँ पे मार्केट देखिए कब तक गिरा नहीं, जब तक ये पिछले लो के नीचे यहाँ पे क्लोज नहीं किया। जब तक पिछले लो के नीचे क्लोज नहीं किया तब तक मार्केट में गिरावट नहीं आई। यहाँ पे इसने पिछले लो के नीचे क्लोज करना स्टार्ट किया और उसके बाद नीचे थोड़ी सी गिरावट आई और यहाँ से ऊपर कब तक नहीं बढ़ा, जब तक ये पिछले हाई को क्रॉस करना, यानी स्विंग हाई को जब तक ये क्रॉस करना स्टार्ट नहीं किया तब तक मार्केट में ऊपर की साइड की मूवमेंट यहाँ पर नहीं बनी। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा, जब तक पिछला स्विंग हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहां पे बायर का इंटरेस्ट नहीं होगा। बायर का इंटरेस्ट कहां पे होगा, जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके क्लोज करेगा, वीकली चार्ट डेली चार्ट पे एक आध दिन इसके ऊपर क्लोज करेगा, तब यहां पे थोड़े से बायर एक्टिव होंगे और सेलर अपना हाथ छोड़ देंगे, क्योंकि सेलर को अब लगेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, पिछला स्विंग हाई क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर सेलर क्या है, थोड़ी सी पोजिशन अपनी छोड़ सकते हैं और वापस मार्केट क्या करेगा, इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। ये लेवल कौन सा है, जो हमने पिछला हाई यहां पर मारा था, फिर मार्केट के लिए वो रेजिस्टेंस का यहां पर काम करेगा। पहला रेजिस्टेंस क्या है, पहला रेजिस्टेंस है ये इसका स्विंग हाई, इस कैंडल का स्विंग हाई। उसके बाद अगर मार्केट निकलता है तो जो पिछला स्विंग हाई बना था वो हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जो नेक्स्ट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वो ये लेवल है। इस लेवल पर नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि ये जोन काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट जोन बनेगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोज करता है तो ये जोन पर ही निफ्टी सपोर्ट लेगा, क्योंकि अगर इस जोन के बाद में निफ्टी में जो अच्छा खासा जो सपोर्ट निकल के आएगा वो काफ़ी दूर यहाँ पर है, यानी 18,700-18,800 के आसपास है। तो ये जोन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है नेक्स्ट वीक के लिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये कैंडल। यहाँ पे एक दोजी कैंडल बनी है, यानी दोजी कैंडल में मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया नीचे भी गया, लेकिन बीच में आके इसने क्लोज कर दिया, यानी 35 पॉइंट नीचे ही निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे दी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, इस कैंडल के ऊपर और इस कैंडल के नीचे मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट वीक के लिए। अब यहाँ पे जो हम लोग मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। अभी भी इसने शायद 11 के मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर होंगे वो शायद 11 के मूविंग एवरेज को फॉलो करते रहेंगे। तो इसके लिए मार्केट अभी 11 का जो मूविंग एवरेज है वो है वीकली चार्ट पे हमारा यहाँ पे है, वो है 19,606, उसी के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। क्लोजिंग बेसिस पे 19,606 इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी 19,500 से लेकर 19,606। और जो हम 22 जो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं उनके लिए 22 जो कि मेरे ख्याल से 19,250 या 19,300 के आसपास आएगा, 19,200 के आसपास ये आ रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहेगा ये मूविंग एवरेज, जो कि 22 का मूविंग एवरेज है, जो कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए जो यूज़ करते हैं वो इस मूविंग एवरेज को यहाँ पर फॉलो करते होंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो भी है और मूविंग एवरेज का सपोर्ट, तो यहाँ पर दो सपोर्ट काम करेगा निफ्टी के लिए, तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। सबसे ज़रूरी है नेक्स्ट वीक के लिए कि नेक्स्ट वीक निफ्टी क्या इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, क्लोजिंग देता है, या इस कैंडल के नीचे क्लोज देना स्टार्ट करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट वीक के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।